गाड़ी घोड़ा बंद है, माल जा ही नहीं पा रहा। कहाँ कहाँ माल सप्लाई करते थे? ये मनिंदगढ़, बैकंठपुर, चिरमिरी, गढ़वा का, क्या बोलता है, सूरजपुर। इन लोग नहीं जा पा रहे तो खरीदे कैसे आएगा? लॉकडाउन के कर घर से निकलने नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं हूँ मनीष। पहले देशव्यापी लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ डाली और अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के कारण किसान काफ़ी मुश्किल में है, खासकर वो किसान जो फूलों की खेती करते हैं। फूल चूंकि ज़रूरी सामानों की सूची से बाहर है, इसलिए वो फूल मंडियों में पहुंचने से पहले ही खेतों में सूख जा रहे हैं। इस वक्त मैं फूल के खेत में खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई एकड़ में गेंदा फूल की खेती की गई है। हालात ये हैं कि फूल अब खेतों में ही सूख रहे हैं, इनके ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं। ख़रीदार वो जो बनारस या रायपुर या रांची तक के आया करते थे, आज वो लॉकडाउन के कारण इन फूलों को ले जाने या ख़रीदने के लिए यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। फूलों का खेती मेरा करीब 7 साल से है। तो आज क्या स्थिति है, पहले क्या थी? पहले ठीक था, अब ये जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हम लोगों का पूरा पूंजीपति सब खत्म हो जा रहा है। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे फूलों का? ये अंबिकापुर जाते थे, फिर रायगढ़ रायपुर में बिलासपुर हो गया, फिर बनारस, अब सभी जगह बंद है। अभी क्या खराब हो रहा है सब, अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो फिर खेत अपना खराब हो जाएगा पूरा। पिछली बार भी लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम भी अपना 2 एकड़ में था, पूरा नुकसान हो गया था, घर से कुछ मिला ही नहीं मुआवजा। और अभी फिर जैसे भी लोन कर्जा लेके किया हूँ और अभी भी जा रहा है। कितने का लोन? अभी करीब 1.5 लाख का लोन है। कैसी फिर अपना कर्जा कैसे पटाएंगे, फिर आत्महत्या करना पड़ेगा। लड़का बच्चे लेके खट रहा हूँ, लेबर वेबर सब है, इनका पेमेंट कहाँ से करूँगा? और अभी त्यौहार का टाइम है और अभी लॉकडाउन लग गया है, घर से निकलने नहीं बन रहा है, तो फूल कहाँ पर बेचूँगा बताइए। अभी 5 एकड़ में है। और इससे पहले आप पहले भी खेती करते थे? 3 एकड़ में किया था। तो पहले कैसा व्यवसाय था और आज क्या स्थिति है? पहले तो बढ़िया बिक्री था, अब जब से लॉकडाउन चालू हुआ ना उसमें मेरा करीब करीब 5 लाख का पहले फूल ख़त्म हो गया, शादी ब्याह सब बंद हो गया, तो 5 लाख के अधिक मेरा खर्च था उसमें। कमाना तो है ही था, लेकिन 5 लाख रुपया मैं खर्च किया था। अभी भी 5-7 लाख रुपया खर्च, 7 लाख से ऊपर फेंका दिया हूँ। अभी तो सब गाड़ी घोड़ा बंद है और मार्केट भी बंद है, अभी खट नहीं रहा सब। तो जैसे फूल तोड़ने से पेड़ सही रहता है, अब नहीं टूटेगा तो मान के चलिए महीना दिन में ख़त्म हो जाएगा फूल, पेड़ पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम लोग के मान के चलिए 4-7 लाख जो लागत लगा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 50 किसान होंगे। और लगभग अगर रकबा की बात करें तो कितना एरिया में होगा, कितने एकड़ में लगा होगा? करीब करीब 50 एकड़ से ऊपर होगा। अब इसमें इतना घाटा हो गया है कि अभी चला जाएगा तो सोचिए कि कभी फूल का खेती ही नहीं होगा इधर, कोई घर से कहाँ से लगाएगा, सब कर्जा में डूबे हुए हैं। पूरा
फूल सूख जाता है कि सड़ जाता है, पेड़ भी फूल का तरह से पेड़ भी खराब हो जाता है। आज क्या स्थिति, मतलब मार्केट में बिक नहीं रहा है, जा नहीं पा रहा है, गाड़ी घोड़ा बंद है, इसलिए फूल तोड़ के तो सब फेंका ही रहे हैं, और कर्जा लोन तो लेके करके खेती बाड़ी तो चलिए। कितना लोन है लगभग 1.5 लाख रुपए का। और क्या लगता है पूंजी निकल पाएगा? पूंजी मुश्किल लग रहा है, अब अगर नहीं मार्केट खुलेगा तो पूरा नुकसान ही जाएगा। पिछला भी खेती बाड़ी से त्यौहार के लिए फूलों की तैयारी की गई, ये दीपावली दीपावली में लगता है बिक पाएगा। अब देखिए मार्केट अगर खुल जाए तो।